इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की खबर। रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी 22 मंत्री हटाए जाएंगे। कैबिनेट में सारे नए चेहरे होंगे शामिल। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हटाए जाएंगे। आरसी फल्दू, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को भी नहीं मिलेगी जगह। चुनाव को देखते हुए नो रिपीट थ्योरी पर काम कर रही है बीजेपी। सूत्रों का दावा, सुबह से पहले भी गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने के संकेत। थोड़ी देर बाद होगा भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का विस्तार। नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। अहमदाबाद में नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर। मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए लगाए जा रहे हैं टेंट। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का खुलासा। इंडिया टीवी से कहा, मुझे पद छोड़ने के लिए हाईकमान से कहा गया। संगठन महासचिव ने मुझे हाईकमान का मैसेज दिया। विजय रूपाणी ने कहा, पार्टी के आने वाले चुनाव को देखकर नेतृत्व में किया परिवर्तन। जातिगत समीकरण के कारण इस्तीफा मांगे जाने से किया इनकार। रूपाणी बोले, पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं था कोई दबाव। पार्टी को गुजरात में हार का कोई खतरा नहीं। लोकसभा से लेकर स्थानीय सभी चुनाव में जीत दर्ज की। टेरर मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की बड़ी बैठक। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एटीएस चीफ थे मौजूद। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मीटिंग में अधिकारियों ने दी आतंकियों के बारे में जानकारी। दोपहर 3 बजे एसटीएफ चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा, मामला काफी संवेदनशील। एटीएस भी पूरे मामले पर नजर रख रही है। सियासत ना करने को कहा। मुंबई में आतंकियों के पकड़े जाने को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी। कहा, मामला बेहद गंभीर है, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी। हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते, ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। कल गिरफ्तार दो और आतंकियों जिशान और मोहम्मद आमिर जावेद की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोर्ट में कहा, हथियार की तलाश में दोनों आतंकियों को प्रयागराज लेकर जाना होगा। कल गिरफ्तार 6 आतंकियों में से 4 की देर रात दिल्ली की अदालत में हुई पेशी। कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। कल गिरफ्तार जान मोहम्मद शेख उसामा मूलचंद और मोहम्मद अबू बकर की कोर्ट में पेशी हुई। जीशान और आमिर जावेद को भी 14 दिन की रिमांड। पुलिस रिमांड में लेने के बाद चारों आतंकियों से स्पेशल सेल की पूछताछ जारी। आतंकियों से साजिश का पूरा राज उगलवाएगी पुलिस। पुलिस की पूछताछ में उसामा ने बताया, लखनऊ से फ्लाइट से पहुंचा मस्कट। जीशान के साथ उसे कई बार नाव बदलने के बाद ले जाया गया पाकिस्तान के शहर जियोनी। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, पहले भी डी ग्रुप के लिए काम कर चुका है जान मोहम्मद शेख और फसमीर। हथियार को इधर से उधर लाने के लिए बरेली के मूलचंद और फलाला को किया था हायर। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी। महाराष्ट्र यूपी समेत कई राज्यों को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों के अंडरवर्ल्ड के जरिए हो रही थी फंडिंग। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम दोनों का हैंडलर था। आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, ऐसी सजा देंगे कि याद रखेंगे। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक। प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में अभी 8वीं क्लास तक नहीं खुलेंगे स्कूल, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। महामारी के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। डीडीएमए ने कहा, कल से दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों की इजाजत दी जाएगी। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग पर नागपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे का जलाया पुतला, मुर्दाबाद के नारे लगाए, रास्ता जाम किया। प्रदर्शन में बीजेपी विधायक और संगठन प्रभारी शामिल। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बवन खुले का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया वकील। 6 महीने से टालमटोल कर रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के नए गवर्नर। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान ने शपथ दिलवाई। गाजियाबाद के लोनी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कब्र खोदकर जिंदा लेटे किसान। सरकार से जमीन अधिग्रहण का एक सामान और सही मुआवजा देने की मांग। बागपत में राकेश टिकैत का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। ओवैसी को कहा बीजेपी का चचा जान। यूपी में बीजेपी को जिताएंगे ओवैसी। राकेश टिकैत ने ओवैसी बीजेपी पर लगाया साठगांठ का आरोप। कहा ओवैसी को बीजेपी का पूरा आशीर्वाद, वो गाली देगा लेकिन कोई मुकदमा नहीं होगा। ओवैसी और बीजेपी और बी टीम चुनाव से पहले बीजेपी ओवैसी साजिश रचेंगे। टिकैत के चचा जान वाले बयान पर AIMIM प्रवक्ता असीम वखार का पलटवार। कहा 2022 के नतीजों से होगा साबित, बीजेपी के लिए खेल रहे हैं खेल टिकैत। यूपी के उद्योग विकास मंत्री सतीश महाना ने राकेश टिकैत को दिया जवाब। बोले उत्तर प्रदेश का किसान समझदार, ना वो ओवैसी के बहकावे में आएगा ना राजनीतिक स्वार्थ साधने में नाम पर आंदोलन करने वालों के। पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता हरिंदर सिंह कहलों का बड़ा बयान। कहा अगर वो पीएम मोदी की जगह होते तो कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को पीटते और जेल में डाल देते। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा बयान। कहा पुलिस और टीएमसी हत्या की रच रही है साजिश। ममता बनर्जी ने पुलिस को हत्या करने का दिया है आदेश। अर्जुन सिंह ने कहा मेरे भवानीपुर के इंचार्ज बनने पर भड़की टीएमसी। बंगाल में कानून का राज नहीं, केंद्र सरकार की छुपी पर भी सवाल खड़े किए। राजस्थान कांग्रेस में नया घमासान। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा आरोप। कहा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए महिलाओं का लिया गया सहारा। वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद को हनी ट्रैप में फंसाए जाने की आशंका जताई। कहा महिलाओं ने मुझे किया वीडियो कॉल, कई महीने पहले शिकायत की, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यूपी कांग्रेस ने पार्टी का टिकट मांगने वालों से 11,000 रुपए का दान करने को कहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया आदेश। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से ठगी, अपनी अगरबत्ती कंपनी के कर्मचारी पर 71,000 रुपए हड़पने का आरोप लगाया। LJP सांसद प्रिंस राज रेप मामले पर बोले चिराग पासवान, पीड़ित और प्रिंस राज दोनों को FIR दर्ज कराने की दी थी सलाह, बोले जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। केस में अपने नाम का जिक्र होने पर बोले चिराग पासवान, कहा मेरा नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं, मुझे वारदात की जानकारी थी लेकिन मैंने ही केस दर्ज करवाने का दिया था सुझाव। पंजाबी सिंगर गुरदास मान को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, एक हफ्ते में जांच में शामिल होने का आदेश, धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की है, कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा डेंगू और मलेरिया से जरूर निपटेंगे, लोगों से भी सावधानी और लार्वा को समाप्त करने की अपील की। उत्तर प्रदेश और मणिपुर का चुनाव लड़ेगी JDU, BJP से गठबंधन की कोशिश, बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेगी चुनाव। JDU के UP से चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा दूसरे राज्यों को छोड़िए जनता दल यूनाइटेड बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी है। मायावती ने ट्वीट कर यूपी में सड़कों की दुर्दशा पर सवाल उठाया, लिखा सड़क पर हुए गड्ढों से हुए हादसों में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई, हादसों को योगी सरकार की विफलता बताया। गोरखपुर में सीएम योगी ने फिर लगाया जनता दरबार, लोगों से मिले सुनी समस्याएं। जनता दरबार के बाद सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, बुखार और डेंगू के हालात को लेकर बातचीत हुई, कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया। पीएम मोदी के बर्थडे पर कर्नाटक में चलेगा रक्तदान और टीकाकरण अभियान, 17 सितंबर हेल्थ केयर पर विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएगी सरकार। प्रयागराज में डेंगू का डंक, डेंगू के 97 नए केस मिले, 9 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, किसी की नहीं हुई है मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बढ़े डेंगू के मामले, अब तक मिले 287 केस, CMO की लोगों से अपील सरकारी अस्पताल में ही हो भर्ती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी, डेंगू के 21 मामले रिपोर्ट हुए, CMO ने कहा रोज 5 डेंगू के मरीज आ रहे हैं। कानपुर में बुखार का कहर, CMS ने कहा शहर में रोज करीब 100 मामले आ रहे हैं जिनमें 2 डेंगू के पॉजिटिव केस। दिल्ली में जनपथ रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई, धू धू कर जली कार, कार में सवार असिस्टेंट कमांडेंट समेत 3 लोगों ने बाहर निकल कर अपनी जान बचाई। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर, फ्लाईओवर से नीचे गिरी बाइक, एक महिला और एक शख्स की मौके पर मौत। गुजरात के दहोद में मौत के मुंह से लौटा एक बाइक सवार, ओवरटेक करते वक्त बस से लगी टक्कर लेकिन बच गई जान। बिहार में पटना साहिब के पास एक स्नैक्स कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। देश में कोरोना के 27,487 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 15,876 नए केस मिले, 24 घंटे में 129 लोगों की जान गई। कोरिया प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों ने छोड़ी मिसाइल। चीन में चल रहा सैन्य अभ्यास खत्म हुआ, मंगोलिया पाकिस्तान और थाईलैंड हुए शामिल, सिर्फ चीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। चीन के तनाव के बीच ताइवान ने की मिलिट्री डील, चीन के संभावित आक्रमण से निपटने की तैयारी। शीत युद्ध के बाद रूस कर रहा है सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, बेलारूस के साथ चल रहे युद्ध अभ्यास में 2,00,000 सैन्य कर्मी शामिल हैं। युद्ध अभ्यास में भारत, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मंगोलिया के सैन्य यूनिट भी शामिल, आधुनिक हथियारों को देख पड़ोसी मुल्कों में हलचल। अमेरिका में तूफान निकोलस ने ढाया कहर, टेक्सास और लुसियाना में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, करीब 5,00,000 घरों में बिजली गुल है। तूफान निकोलस के कारण अमेरिका में कई जगहों पर हुई 30 सेंटीमीटर तक बारिश, गल्फ कोस्ट पर अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। अफगानिस्तान में तालिबान ने इंसानियत को फिर किया दागदार, 2 जवान लड़कों को सरेआम फांसी पर लटकाया। अमेरिका की पाकिस्तान को 2-2, कहा तालिबान जब तक वादे पूरे ना करे तब तक उसे मान्यता ना दे इमरान सरकार। सत्ता संभालने के बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपनी धरती का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान के विदेश मंत्री ने देश में चुनाव कराने पर नहीं दिया कोई जवाब, अंतरिम सरकार की जगह नई सरकार की कमान संभालने पर भी देते रहे गोलमोल जवाब। मुंबई में गणपति का विसर्जन जारी, अब तक 66,000 से ज्यादा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, कोरोना की वजह से समंदर के किनारे भीड़ कम दिखी। फिल्म एक्टर सोनू सूद ने किया गणपति को विदा, विसर्जन से पहले परिवार के साथ की बप्पा की विधि विधान से पूजा। बिग बॉस फेम राहुल वैद्य और दिशा परमार ने भी धूमधाम से बप्पा की विदाई की, कृत्रिम तालाब में परिवार के साथ किया गणपति का विसर्जन। एकता कपूर ने बप्पा को दी भावुक विदाई, गणपति विसर्जन में शामिल हुए जितेंद्र और तुषार कपूर। सस्ता हुआ होम लोन, SBI ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती की, अब 7.45% पर मिलेगा कर्ज। iPhone 13 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च, 6 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक काम करेंगे, पहली बार किसी फोन में ITB स्टोरेज। भारत में iPhone 13 मिनी और iPhone 13 की बिक्री 24 सितंबर से शुरू होगी, iPhone 13 प्रो की बिक्री 30 अक्टूबर और iPhone 13 प्रो मैक्स की बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी।
आईफोन 13 की स्टोरेज क्षमता 1000 गीगाबाइट्स आईफोन 12 के मुकाबले करीब दोगुना हुई। कैमरे में भी सुधार। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री आज लौट सकते हैं भारत। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद होगी वापसी। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ चल रही टी20 सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। क्विंटन टिकॉक और हेनरी के हाफ सेंचुरी की मदद से 10 विकेट से जीता मैच। श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट को कहा अलविदा। 38 साल के मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से हटने की बताई वजह। आईपीएल की बजाय टी20 वर्ल्ड कप और एशियस में खेलना पहली पसंद। आईपीएल 2022 में दो नई टीमों को लेकर 17 अक्टूबर को होगा ऑक्शन। 2022 आईपीएल में 10 टीमें भिड़ेंगी। आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को झटका। ओपनर फाफ डुप्लेसिस कैरेबियन प्रीमियर लीग में हुए चोटिल। चेन्नई सुपर किंग्स के दूसरे ओपनर सैम करेन भी मुंबई के खिलाफ पहले मैच में नहीं होंगे शामिल। इंग्लैंड से वक्त पर नहीं पहुंच सके यूएई। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल में पहुंची सेंट लुइसिया और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स की टीम। आज सीपीएल को मिलेगा इस सीजन का चैंपियन। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर आधारित होगी शाहरुख और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म। कनाडा में बसने का सपना संजोने वाले पंजाबी मुंडे की दिखाई जाएगी कहानी। सीता के किरदार में नजर आएंगे कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया लिखा जय सियाराम। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने अलीबाग में खरीदी प्रॉपर्टी। 2 बंगले और नारियल का बगीचा इसमें शामिल है। बॉलीवुड के लिए बड़ी खुशखबरी टी सीरीज और रिलायंस फिल्मों में 1000 करोड़ करेंगे इन्वेस्ट। सोनी पिक्चर्स अगले एक साल में 17 फिल्में करेंगे रिलीज। बाहुबली सीरीज की शूटिंग नवंबर में होगी शुरू। प्रोड्यूसर सीरीज को रियल लोकेशंस पर करेंगे शूट। केरल कर्नाटक में हो सकती है शूटिंग। बाहुबली सीरीज के साउथ के सुपरस्टार नयनतारा करेंगे डिजिटल डेब्यू। शाहरुख की फिल्म की शूटिंग के बाद यूनिट से जुड़ेंगे। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में शिवगामी का ऐतिहासिक किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस राम्या कृष्णन का जन्मदिन आज। राम्या से पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था शिवगामी का रोल। कौन बनेगा करोड़पति में नजर आएंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और हॉकी प्लेयर श्रीजेश। अमिताभ के सामने हॉट सीट पर लगन, कड़ी मेहनत और संघर्ष की अपनी कहानियां बताते नजर आएंगे। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक्ट्रेस के साथ लूटपाट। बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटे 7 लाख रुपए। मौसी के साथ रह रही निकिता रावल घटना के वक्त घर पर ही थी। समीरा रेड्डी ने सफेद बालों में शेयर की अपनी फोटोज। बोली मेरे पिता को चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।